मिसी ज्वेलर्स सदर बाजार बोरुंदा। हमारे यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। प्रोप्रेटर पप्सा, संपर्क सूत्र 9414877645 7357973645। बोरुंदा कस्बे सहित आसपास के लाइमस्टोन क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले पस्त करने को लेकर खनिज विभाग ने भी कमर कस ली है। लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई का दौर चला। विभाग ने अब तक 2 JCB व 4 ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। बोरुंदा सहित आसपास के क्षेत्र में आए हुए खनन विभाग पर खनन माफिया दिनों दिन लाइम मिनरल्स को खनन कर जमीन को खोखला कर चांदी कूट रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध खनन को लेकर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। अवैध खनन माफियाओं के हौसले पस्त करने को लेकर खनिज विभाग ने इन दिनों कमर कस ली है। राज्य सरकार के अवैध खनन निर्गमन पर कार्रवाई और रोकथाम हेतु जोधपुर खनि अभियंता प्रवीण अग्रवाल के निर्देशन में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जोधपुर खनिज विभाग की लगातार क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। जोधपुर सहायक खनिज अभियंता खरताराम पारगी ने बताया कि उनके नेतृत्व में फोरमैन बजरंग सिंह व हरमत्ता राम की टीम द्वारा बोरुंदा कस्बे में अवैध खनन की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत खनन स्थल पर हल्का पुलिस थाना बोरुंदा सहायक उप निरीक्षक खराराम राठौर के साथ अकस्मात छापामारी की। मौके पर अवैध खनन करते हुए 1 JCB और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। टीम द्वारा अवैध खननकर्ताओं से पूछताछ की गई। संतुष्ट प्रद जवाब नहीं देने पर लाइमस्टोन का अवैध खनन पाया गया। खनिज विभाग की टीम द्वारा पंचनामा बनाकर कार्रवाई करते हुए 1 JCB 3 ट्रैक्टर में खनिज जब्त करते हुए थाने ले जाकर सुपुर्दगी में दिया। वहीं इससे एक दिन पूर्व खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 ट्रैक्टर व 1 JCB को भी जब्त किया था। कार्रवाई के बाद पुलिस थाने वाहनों का जब्त कर लाया गया, जहां पर लोगों की भीड़ भी लग गई। वहीं इस मामले में अवैध खनन माफियाओं ने पुलिस के साथ धक्कामुक्की करने व राजकार्य बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने एक दिन पूर्व 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। बन रही इसी तमाम खबरों के लिए नमस्कार।